नमस्कार, आप देख रहे हैं और भटनी हुई खबर मुजफ्फरपुर से है। मुजफ्फरपुर में लगातार हो रही बरसात एवं नदियों के जलस्तर बढ़ने से कई क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। इसी कड़ी में जिले के कटरा प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में कई घरों में पानी घुसने से लोगों को भोजन से लेकर जीवन यापन करने में विकट समस्या उत्पन्न हो रही है एवं जानवरों का चारा मिलना भी मुश्किल हो गया है। ज्यादातर बाढ़ पीड़ित परिवार अपने आसियाने को छोड़कर ऊंचे स्थान पर तिरपाल लगाकर चले गए हैं। इसी कड़ी में आज मुजफ्फरपुर जिले के कटरा प्रखंड के बाढ़ से ग्रसित विभिन्न क्षेत्रों का राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने दौरा किया। राजद नेता समाज सेवी मोहम्मद फैसल के नेतृत्व में सिद्धासपुर पंचायत के कई सिद्धासपुर बसंत समेत कई गांवों का दौरा कर बाढ़ पीड़ितों से मिलकर उनके हाल जाना। वहीं इस दौरान उपस्थित राजद उपाध्यक्ष विकास कुमार ने सरकार से बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा खाने पीने की व्यवस्था करने की मांग की। आज राष्ट्रीय जनता दल की टीम शिवदासपुर गांव जो बाढ़ से लबालब है शिवदासपुर पंचायत के शिवदासपुर गांव में हम लोग पहुंचे हैं। यहाँ की स्थिति काफी भयावह है। देखने से तो ये लगता है कि पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त है। पूरी क्षेत्र के यहाँ तक तो पशु के लिए चारा तक नहीं है लोगों के पास। लोग परेशान हैं, हताश है, लेकिन सरकार और नीतीश कुमार जी सोए हुए हैं। एक आज 200 दिन लगभग 2-3 महीने हो गए नीतीश कुमार जी को घर में घुसे हुए। जब से कोरोना आई है तब से नीतीश कुमार जी रूम से बाहर नहीं निकले और कहते हैं कि हम बाढ़ का प्रबंध करेंगे। और जनता को बाढ़ तो आया, सारा कुछ क्षति हो गया, लाखों करोड़ों का क्षति हुआ, नुकसान हुआ, लेकिन जनता को लॉलीपॉप 6,000 का लॉलीपॉप देकर के और जनता को लुभाने का काम करेंगे नीतीश कुमार जी। लेकिन बाढ़ का स्थायी समाधान निकालने के लिए नीतीश कुमार जी सक्षम नहीं है। अगर हम जनता, हम तमाम जनता और यहाँ हम तमाम नेता कार्यकर्ता हम मांग करते हैं सरकार से कि सरकार बाढ़ का स्थायी समाधान निकाले। ये 6,000 के लॉलीपॉप से हम लोग हर बार लुभने वाले नहीं है। औराई का, इधर कटरा का तो पूरा 22 का 22 पंचायत बाढ़ग्रस्त है ही, और उधर औराई विधानसभा का पूरा 42 पंचायत और कायघाट का पूरा या शिवदासपुर वगैरह जो भी पंचायत है सब बाढ़ग्रस्त है और यहाँ की स्थिति भयावह है। लेकिन जनप्रतिनिधि से लेकर के अधिकारी तक, यहाँ अफसरशाही का राज है नीतीश कुमार जी के राज्य में। हर और लूट खसोट दलाली चल रहा है। बाढ़ राहत में भी पिछली बार 2019 में बाढ़ राहत के नाम पर भी लोगों से वसूली किया गया और 50% लोगों को बाढ़ राहत का लाभ नहीं दिया गया सरकार के द्वारा, और कहा गया कि मिल जाएगा, लेकिन आज तक उन लोगों को नहीं मिला। और बाढ़ राहत के सूची से उन लोगों का नाम छाटा जाता है जो गरीब दलित तबके के लोग होते हैं जिनको असलियत में बाढ़ राहत की आवश्यकता होती है। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि या यहाँ के जो कर्मचारी हैं या जो यहाँ के पदाधिकारी हैं उन लोगों के मिलीभगत से जो लोग बाढ़ ग्रसित नहीं होते हैं उन लोगों को बाढ़ राहत में नाम दिया जाता है और गरीबों का नाम काट दिया जाता है। और यहाँ इस जगह पर ये कटरा प्रखंड का शिवदासपुर गांव है, यहाँ से मुजफ्फरपुर के लिए रास्ता जाती है और जगहों के लिए इन लोगों का बस एक ही रास्ता यही है और यहाँ से इन लोगों का आवागमन चलता है, व्यवसाय चलता है और सारा कुछ इन लोगों का इसी रास्ते से चलता है। लेकिन यह पुल पानी से पूरी तरह से लबालब है और कुछ ही दिनों में यह ध्वस्त हो जाएगा। लेकिन न सरकार के कोई पदाधिकारी यहाँ पर आए हैं, न कोई जनप्रतिनिधि आए हैं, तो हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार अविलंब यहाँ अपने पदाधिकारी को भेज करके और इसकी जांच करवाए और जो यहाँ का समुचित व्यवस्था होना चाहिए वो व्यवस्था करे। यहाँ के लोग ग्रामीण अपने स्तर से अपने पैसे से ये मिट्टी और यहाँ जो व्यवस्था होना चाहिए पानी रोकने के लिए वो तमाम व्यवस्थाएं की है, लेकिन सरकार के कर्मचारी पदाधिकारी सोए हुए हैं। उनकी नींद तब खुलेगी जब यह पुल टूट जाएगा और जनता पूरी तरह से, जनता का लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। एक दो लोग हो जाएंगे नुकसान हो जाएंगे, एक दो पशु नुकसान हो जाएंगे, तब उन लोगों का नींद खुलेगा। मोहम्मद फैसल, अध्यक्ष छात्र कटरा। मुजफ्फरपुर जिला कटरा प्रखंड के सिद्धासपुर गांव सिद्धासपुर पंचायत है। यहां पे जो बाढ़ की और बारिश के कारण पानी जो है जबरदस्त पानी बह रहा है, यहां पर नलियां टूटने के कगार पर है। यहां के जनता ग्रामीण लोग जो है बोरा में मिट्टी डाल के भरने का काम किए हैं। इससे पूर्व में सीओ साहब हो गए माननीय महेश्वर प्रसाद यादव जी, गायघाट 88 से विधायक हैं, उनको भी कई बार सूचना किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी माननीय महेश्वर यादव जी के द्वारा कोई रिस्पांस नहीं लिया गया है। जनता सब परेशान है जिसके कारण बहुत दिक्कत हो रही है। कुछ देर में आवागमन यहाँ का ठप हो जाएगा। इसके बावजूद भी कोई आपदा प्रबंधन है या इस पंचायत के मुखिया जी लोग हुए किसी भी के भी द्वारा कोई मदद नहीं किया जा रहा है।
सब अपना अपना हाथ उठा देते हैं और कहते हैं कि हमसे इस सब काम नहीं होगा। माननीय महेश्वर प्रसाद यादव जी को कई बार इसके लिए फोन किया गया है तमाम नागरिक के द्वारा, लेकिन इसके बावजूद भी महेश्वर प्रसाद यादव जी एक बार भी देखने का काम नहीं किए हैं। और उनके द्वारा जब बात किया जाता है तो उनके द्वारा रंगदारी और रवैया के द्वारा बात किया जाता है और जनता को जो है कुछ भी कह देते हैं कि हमारा काम नहीं है, तुम लोग मरो कटो, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। माननीय महेश्वर प्रसाद यादव जी को हम लोग एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन चार चार बार इस गायघाट विधानसभा से विधायक बनाने का काम किए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनको जनता से कोई मोह प्यार नहीं है। सिर्फ अपना कुर्सी के लालच में पैसा कमाने के कारण जो है जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। और महेश्वर प्रसाद यादव जी के द्वारा यहाँ पर कुछ नहीं किया जा रहा है। ये हमारी नीतीश कुमार निकम्मी सरकार है। जनता बसंत गांव है सिरासुर पंचायत में, जनता सब पानी में, घर उनका डूब चुका है, खाना पीना रहने होने की माल उनकी भी क्षति है। इसके बावजूद भी उनके द्वारा कोई सहायता नहीं मिल पा रहा है। इसलिए सभी जनता माननीय महेश्वर प्रसाद यादव जी का विरोध करते हैं, डबल इंजन की सरकार का विरोध करते हैं। डबल इंजन की सरकार माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा कहा जाता कि हम बाढ़ का सब प्रबंध कर लिए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद धरातल पर कुछ दिखने को नहीं मिल रहा है। इसलिए हम लोग माननीय नीतीश कुमार महेश्वर प्रसाद यादव जी का विरोध करते हैं। तमाम जनता लोग यहां पर एकत्रित हैं। ये तमाम जनता को आप लोग देख लीजिए, तमाम आदमी के घरों में पानी है, जिसके कारण जो है आदमी लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। इसी के साथ जो है मुख्यमंत्री जी को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आप जो है जनता को ठगने का काम किए 15 सालों में, ये इस बार नहीं चलेगी। आपकी सरकार निकम्मी है, आप पलटू राम है, कुर्सी के लालच में जो है ये सब करने का काम करते हैं। जहां तहां का कई गो पुल धनौड़ में भी पुल ध्वस्त हो गया है। इसके बाद बिसौथा गाँव हुआ है, पर भी पुलिया पर पूरा पानी उल चुका है, कुछ ही देर में टूटने वाला है, लेकिन कोई सरकार के द्वारा इस पर कोई जायजा नहीं लिया जा रहा है उनके पदाधिकारी के द्वारा। इसलिए तमाम जनता हम लोग इस बार नीतीश जी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत।